आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पोको फ़ोन में ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन आता है, ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले आता है, तो ये प्रॉब्लम अपने फ़ोन में ठीक कैसे करें, अपने पोको फ़ोन की डिस्प्ले का कलर नॉर्मल कैसे करें, पहले जैसा कैसे करें। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए और फ़ोन की सेटिंग में आने के बाद नीचे आइए। नीचे आएंगे तो आपके फ़ोन में ये डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स आएगा, इस पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे आने के बाद नीचे आइए। नीचे आएंगे तो आपके फ़ोन में ये बेड टाइम मोड आएगा, तो ये बेड टाइम मोड पे क्लिक करिए। अगर आपको ये सेटिंग में नहीं मिलेगा तो इसके लिए जब सेटिंग्स ओपन करेंगे तो फ़ोन की सेटिंग में ऊपर आएगा ये सर्च सेटिंग, इस पे क्लिक करिए और टाइप करिए डिजिटल वेलबिंग। तो डिजिटल टाइप करेंगे तो ये डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स आएगा, इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे नीचे आइए। नीचे आएंगे तो ये बेड टाइम मोड आएगा, बेड टाइम मोड पे क्लिक करिए। और अब आएगा ये टर्न ऑफ फॉर नाउ, इस पे क्लिक करिए। और इस पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन का डिस्प्ले का कलर नॉर्मल हो गया है। और नीचे आएगा बेड टाइम रूटीन, इस पे क्लिक करिए। और ये यूज़र शेड्यूल आपका सेलेक्ट है तो नीचे आइए, नन सेलेक्ट करिए। अब बैक आ जाइए और अब आपके पोको फ़ोन का डिस्प्ले ठीक हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।